तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा विदेश में होने वाली समस्याएं और उनका समाधान। जी हाँ, विदेश में अगर आप लोग जाते हैं, खासतौर से खाड़ी देशों की अगर बात करें, तो कितने लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। ये भाई, ये जो आप लोगों की तस्वीर है ये समझ लो, और ये जो मेरी तस्वीर है, मैं गया था वहाँ पे दुबई में, और ये देख सकते हैं मैं इनके साथ में खाना खा रहा हूँ। ये मेरी खुद की तस्वीर है, ये मेरे जानकार लोग थे, तो मैंने नज़दीक से इनकी स्टाइल देखी थी। लेबर से रिलेटेड होने वाली 15 समस्याएं और उनका समाधान इस वीडियो में बात करेंगे कि 15 कौन सी समस्याएं होती हैं और उनका समाधान क्या है। आए दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, लोग रोते रहते हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है, तो समाधान बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गल्फ में होने वाली समस्याएं, अगर आप फ्लाइट में बैठ के भाई गल्फ में जाते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर वे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा लोग वे में रहते हैं, सऊदी, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन और इराक, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं देशों में रहते हैं, लगभग 1 करोड़। जी हाँ, मेरे अनुमान के अनुसार 1 करोड़ की पॉपुलेशन है जो इन 7 कंट्रीज़ में रहती है, जिसमें इराक भी शामिल है। भाई इराक में भी इंडियन के लगभग काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो इन देशों में होने वाली कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है, कि यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने जो ये बातें लिखी है ना बोर्ड के ऊपर, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे अनुभव के, पर्सनल अनुभव के आधार पर है। जी हाँ, इन देशों में यहाँ पे 3 प्रकार के इंडियन लोग, आप 3 प्रकार के कौन से भाई, 80% तो वो हैं जो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, 18% वो हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, ठीक है जी, और 2% मैंने उनको रखा है जो बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, 100% जो लोग हैं ना, उसमें से बता दूं 80% लोग तो वही हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिल जाती है, इससे 35 मान लो, 40 मान लो, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं है। और मैंने 2% वो लोग रखे हैं जो बिजनेस है, उनका खुद का बिजनेस है, जिन्होंने कंपनी बना रखी है, अलग अलग बिजनेस करते हैं, वो 2% हो सकते हैं, बाकी एक एवरेज मैंने लगभग लिया है। आप कमेंट करने मत लग जाना कि आपको कैसे पता ये वो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समस्याएं किसको आती है। मेरा जहां तक यह अनुमान है 80% जो लोग हैं ब्लू कॉलर वाले, उन्हीं को समस्या आती है। जैसा कि मैं फोन पे बात करता हूं, मेरे से आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, जिनसे मेरी बात होती है उस आधार पर बताता हूं। आप यकीन करो, इनके अलावा जो 18% है मैंने आपको बताया ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वाले जॉब, या फिर 2% है बिजनेस वाले कॉल, इनका कभी कॉल नहीं आया, कभी भी कॉल नहीं आया। अपवाद के तौर पे एक आधा कॉल आ गया तो अलग बात है, बाकी इनका कभी कॉल नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, उनको सब पता होता है। कंपनियां भी इनके साथ में गड़बड़ नहीं करती हैं, इनको पता है इनके साथ गड़बड़ करेंगे तो अपनी वाट लगा देंगे, ये गड़बड़ इन्हीं के साथ करती हैं जो ब्लू कॉलर जो मजदूरी का काम करते हैं, उन्हीं को कंपनियां दबा के रखती हैं। अब इनकी समस्या देखिए, समस्या और कैसे होता है उनका समाधान, इस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या भाई, सबसे जो बड़ी समस्या ना, ये समस्या ये है, कंपनी का पासपोर्ट नहीं देना। जी हाँ, सबसे बड़ी, मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप वगैरह आते हैं, पता लगता है कि कंपनी ने आपका पासपोर्ट दबा के रखा है, कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं देना, ये भी एक बड़ा पॉइंट बन जाता है। ये मैं दुबई गया था तब, ये लोग कौन है भाई, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा होगा, ये लोग कौन है, ये व्हाइट कॉलर जॉब वाले नहीं है, सब आप ब्लू कॉलर जॉब वाले। मैं वहाँ पे बीच पे खड़ा था दुबई में, तो वहाँ पे ये लोग मिल गए थे, सेल्फी ली थी, तो मैं वो आप लोगों के साथ दिखा रहा हूँ। ये वो है जो दुबई गया था, मैं लेबर कैंप में बैठ के खाना खा रहा हूँ, आप लोगों के साथ में दिख रहा होगा आपको, तो मैंने रियलिटी से इन चीज़ों को नोटिस किया। आगे आने वाली समस्याएं देख लो भाई, कंपनी सैलरी नहीं देना, वीज़ा का पैसा काट लेना, मारपीट करना, सैलरी काट लेना, है ना, रहने खाने की समस्या आना, दूसरे जॉब में डाल देना, जॉब चेंज कर देना, जॉब बदल देना, जॉब बदल देते हैं कि भैया ये नहीं तुम ये करो, ड्यूटी में ज़्यादा काम करवाना, धमकी देना, झूठे केस में फंसा दूंगा, सबसे बड़ा हथियार इन लोगों का है। मेरे पास जितने भी लोगों की बात होती है ना, कंपनी बोलती है कि आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, कंपनी द्वारा घर भेज देना बहाना बना के, जी हाँ, बकाया पैसा नहीं देना, वापस नहीं बुलाना, समय पर भुगतान नहीं करना, मेंटली हरासमेंट करना। अब इनकी समस्याओं का समाधान क्या है? अब भाई सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो आप खुद हो, आप इस बात का नोट कर लो कि भैया किसी भी समस्या का समाधान आपको खुद को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हाँ, दूसरों को आप मेरे पास कॉल करोगे तो मैं बता सकता हूँ कि आप ये कर लो, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। इसका मतलब इस समस्या का समाधान आप खुद में अगर बात करें तो भाई क्या होगा, कंपनी का पासपोर्ट नहीं देना, कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती है। देखिए, रोल तो दुबई सबका यही बोलता है, गल्फ देशों का यही बोलता है कि भैया पासपोर्ट है वो अपने पास रखें, लेकिन कंपनी आपका पासपोर्ट रखती है। और आप यकीन करिए, जो 18% मैंने बताया ना आपको व्हाइट कॉलर जॉब वाले, ये सब अपने पास पासपोर्ट रखते हैं, आप यकीन करना, इनको जब जरूरत पड़ती है इंडिया आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, कंपनी कुछ नहीं बोलती इनको। ये डंडा सिर्फ 80% वाले लोगों को देकर रखती है, लेबर वर्क जो मजदूरी का काम करते हैं ना, उनको कंपनी डंडा देकर रखती है। तो कंपनी का पास, कंपनी से पासपोर्ट आप अपने अपने पास रखने के लिए बोल सकते हैं, ये सब देशों का रूल है, आप इनको ध्यान रखें।
कंपनी का छुट्टी नहीं देना। अब देखिए आपका जो अग्रीमेंट है उसमें साफ साफ बातें लिखी होती हैं, उसके हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अग्रीमेंट को पढ़ना आपको जरूरी है, उसको उसकी फोटोकॉपी आपके पास जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप छुट्टी ले सकते हैं, इमरजेंसी छुट्टी भी ले सकते हैं, कंपनी को देनी पड़ती है। आप मोहरे का अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम बने हुए, उसके अनुसार आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और आप कंपनी के ऊपर दबाव लगा सकते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए इस रूल के अनुसार। सब देशों के अलग अलग रूल बने हुए हैं, लेकिन उन रूलों का आपको पता होना चाहिए, कंपनी वाले छुट्टी देंगे। आगे बात कर लेते हैं कंपनी सैलरी नहीं देना। भाई कंपनियां इतनी हरामीपन पे उतरती हैं कि रियल बता रहा हूं कि कंपनी आपको समय पे तनख्वाह नहीं देती है, लेकिन कंपनी को समय पे तनख्वाह भी देनी होती है और समय पे आपको सब कुछ करना होता है, लेकिन इन रूल का पता होना जरूरी है। तनख्वाह नहीं दे तो आप उनको सामने रूल के साथ बात कर सकते हैं कि सर ये नियम के अनुसार हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। हक ये बनता है कि महीना हो गया उसके साथ 10 दिन तक के अंदर अंदर आपको तनख्वाह मिल जानी चाहिए और 3 महीने से ऊपर कोई भी कंपनी आपका तनख्वाह आपका पैसा नहीं रोक सकती है। आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ में आप एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। वीजा का पैसा कंपनी काट लेती है, आपके अग्रीमेंट में ये बातें साफ साफ लिखी होती है, भैया वीजा कंपनी की तरफ से फ्री है, टिकट फ्री है, तो फिर वीजा का पैसा क्यों काट रही है? आपका ओरिजिनल अग्रीमेंट में बात कर रहा हूं, जैसे दुबई में मोरे है, जैसे खाड़ी देशों में अलग अलग सिस्टम बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके अग्रीमेंट में ये बातें मेंशन की जाती हैं कि आपका वीजा का पैसा कौन देगा। तो वीजा का पैसा जब उसमें फ्री में लिखा हुआ है तो वीजा का पैसा आप क्यों कटवा सकते हैं? आपको नहीं कटवाना चाहिए। मारपीट करना, जी हाँ, ये कई बार देखने में, कल भी एक वीडियो आया मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कैंप बॉस के द्वारा, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, जो अपने आप को ये मानते हैं कि कंपनी तो हमारी है, जबकि वो खुद नौकर है, नौकरी करते हैं, हो सकता है तनख्वाह आपसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो, लेकिन वो आपके साथ मारपीट कर लेते हैं। अगर मारपीट कर लेते हैं तो पहली बात तो आपके पास सबूत होना चाहिए, अगर आपके पास कोई लगी आपके ऊपर चोट आई है तो पुलिस FIR करवाते हैं, आपका 100% मान के चलिए वो जिस आदमी ने आपके साथ मारपीट किया ना वो जिंदगी में दोबारा किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, उसको इंडिया भेजना पड़ेगा कंपनी को और पुलिस उसको आराम से घर पे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप ये काम कर सकते हैं। सैलरी कट करना, जी हाँ, कंपनियां चिटिंग इतना करती हैं, सैलरी आपको बढ़ा देती हैं अग्रीमेंट में, तनख्वाह आपको रियल में कम देती है। बहुत सारी कंपनियां तो केस देती हैं, केस पैसा आपको नहीं लेना चाहिए, तनख्वाह कंपनी से अकाउंट में लो ताकि आपके पास सबूत रहे। रहने खाने की समस्या बहुत सारी मैंने देखा है, कैंपों में आप लोग रहते हैं, वहां पे आपको सुविधा नहीं मिलती, गर्मी में पड़े रहते हैं, पंखे नहीं मिलते हैं, खाने को चीज़ें नहीं मिलती, तो ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया कि लेबर की 100% जी हाँ गारंटी है उनकी सुरक्षा की, उनके रहने की देखभाल की, कंपनियों के डंडा लगा के सब लोग, और ये समस्या का समाधान आप करवा सकते हैं। दूसरे जॉब में डाल देना, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप ड्राइवर हो, आपको डाल दिया प्लंबर में, इलेक्ट्रिशियन हो, आपको डाल दिया प्लंबर में, दूसरा जॉब चेंज कर देना, तो आपके जो अग्रीमेंट में जॉब है आप वही जॉब करें, दूसरा जॉब करने के लिए आप मना कर सकते हैं कि भाई मेरा काम मुझे आता है पढ़ाना, और आप बोलते हो कि आप झाड़ू लगा लो, मैं कैसे लगा लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ रहे हैं। जॉब बदल देना, ये बातें क्लियर हो गई। ड्यूटी में ज्यादा काम करवाना, ड्यूटी मान लो आपकी 8 घंटे की है, आपको बोल दिया 2 घंटे आपको ओवर टाइम मिलेगा, जबकि महीने वाले दिन पता चला कि आपकी 8 घंटे के हिसाब से आपकी सैलरी आ रही है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भाई साहब आपको सामने आना पड़ेगा, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इस पर हम बात करेंगे। धमकी देना, झूठे केस में फंसा दूंगा, ये सबसे बड़ी चाल है भाई कंपनियों की आज के टाइम में, आप थोड़ा सा भी कंपनी के खिलाफ जाते हैं कंपनियां सीधा आपको धमकी दे देती हैं, रियल में फंसा भी देती हैं। अभी मेरी रोज महीने में एक आधा बंदे से बात हो जाती है दुबई से रिलेटेड, कंपनी के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हैं तो कंपनी आपको धमकी देती है। देखिए मरना तो बाद में ही है तो पहले मर लो, एक बंदे का रात को फोन आ रहा था, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, मैं बोला भाई बाद में मरना है तुझे तो पहले मर ले, पहले मरने की सोचेगा तो बच जाएगा, बाद में मरेगा तो जिंदगी में दुबई बैठा रहेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे, मैटर मामला बड़ा है वो। तो ये कहने का मतलब है कि कंपनी का, देखिए अगर आप अपनी जगह सही हैं, आपके पास सबूत हैं, तो कंपनी की वाट लगा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या, मेरे पास भी आप व्हाट्सअप करते हैं, वॉइस भी नहीं भेजते, आपको लगता है 100 LL भी किसी को भेज देगा आपकी वॉइस, आपको ये लगता है कि यार पता नहीं आपकी वॉइस कोई सुन लेगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा, बाकी सच्चाई है कि आपकी वॉइस कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। मजदूरों की कौन सुनता है भाई, सुनता है कोई मजदूरों की? आप कमेंट करके बताना मुझे। कंपनी द्वारा घर भेज देना बहाना बना के, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कंपनी में आप 10 साल से काम कर रहे हैं और कंपनी में आपका मान लो 10,000 रियाल या दराम जो भी है आपका बोनस बन गया, आपका TDS बन गया, आप यकीन करें कंपनी आपको घर भेजेगी बहाना बना के और वापस आने के लिए मना कर देगी। जी हाँ, वापस नहीं बुलाती है, क्योंकि उनको पता है इसको बुलाएंगे तो ये 10,000 रियाल या 1,00,000 रियाल 1,00,000 दराम आपको चुकाने पड़ेंगे, इसलिए वो आपको बेवकूफ बना के छोड़ देती है, बकाया पैसा भी नहीं देती है। अगर आपको इंडिया भेज रही है जल्दी से टिकट बना के दे देती है, वापस आना फिर पैसा देंगे, नहीं तो आपको बुलाती है वीजा कैंसिल कर देती है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इन चीजों को आपको पहले ही ध्यान में रखना कि भाई कंपनी आपको जब बोल रही है कि घर चले जाओ, हिसाब पीछे का लेके निकलो वहां से, उसको बोलो भाई हिसाब दे फिर जाएंगे, वरना हम आपको हिलने वाले नहीं है। समय पर भुगतान नहीं करती है, ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% है कि भैया कंपनी आपकी तनख्वाह टाइम पे नहीं देती है, आपका बोनस टाइम पे नहीं देती है, तो टाइम पे लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। भाई अग्रीमेंट में सब बातें लिखी हैं यार, कंपनी कौन होती है, कंपनी को भी पता है कि इनको कुछ नहीं पता, इसलिए वो आपके साथ चीटिंग करती है।
मेंटली हरासमेंट। मेंटली हरासमेंट क्या होता है भाई कि आप मान लो कुछ कंपनी में गलत होता है और आप उनके अगेंस्ट जाते हैं तो कंपनी फिर मेंटली हरासमेंट करने लग जाती है, आपको टॉर्चर करना, झूठे बातें करना, पता नहीं आपके आपको परेशान करने लग जाती है। कंपनी के जो अधिकारी हैं अपने आपको बॉस मान के बैठे हैं, इंडिया में उनको कुत्ता नहीं पूछता, वहाँ पे अधिकारी बन जाते हैं, वो आपको मेंटली हरासमेंट करते हैं। इन चीज़ों का सबका समाधान किया भाई, हकीकत बात यह है कि इनका समाधान आप खुद हैं, आप खुद को ही ये समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा, समझ गए ना। आप मेरे को फोन करते हैं तो भाई मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, रात को बंदे से बात हुई, बोला कोई स्कैम चल रहा था पाकिस्तानी कंपनी, उस पर वीडियो बनाएंगे, तो मैं बोला भाई तू अभी मरने अभी मर ले, बाद में मरेगा तो लाइफ में जिंदगी घर नहीं पहुंच पाएगा, तेरे नाम से 10 लाख दिरहम का लोन उठा लिया तो तुझे लगता है कि तू 10 लाख दिरहम करोड़ों रुपए चुका के घर आ जाएगा, नहीं आएगा ना, इससे बढ़िया अभी मर ले ताकि अब बचने के चांसेस है, बाद में बचने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब आपने जो समस्याएं बताई है ना इनका समाधान आप खुद हैं, आपको आगे होना पड़ेगा भाई, आपको पीछे है ना पर्दे के पीछे अशोक एल एल भी अपना समाधान करते रहे हमारा पता ही नहीं चले, ये नहीं होने वाला है, दिमाग से निकाल दो, ये आपके खुद का माँ बाप है, आपका कोई भी है वो भी नहीं कर सकता, करना खुद को पड़ेगा भाई। खाना बना के आपको थाली में परोस दिया, खाना खुद को पड़ेगा, आप लगते हो कि निवाला भी मेरे मुंह में कोई और दे दे तो ये इम्पॉसिबल है। ये समस्याएं हर उस इंसान के हैं, करोड़ों लोग हैं जिनमें 80% ब्लू कॉलर वाले जॉब वाले लोग हैं उनके साथ समस्या है। आप यकीन करिए व्हाइट कॉलर जॉब है जो ऑफिस टाइप का जॉब करते हैं ना उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज तक मेरे पास 2, 5, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की फोन नहीं आए और उनको भी समाधान हो गया, पासपोर्ट उनकी जेब में होती है, कंपनी की औकात नहीं कि उनके साथ एकड़ी में बात कर ले, उनको पता है कि उनको नियम रेगुलेशन का सबका पता है और ये आपको कुछ नहीं पता, इसलिए कंपनी को पता है कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। और शोषण सबसे ज्यादा आप लोगों का होता है जो 20,000 से 40,000 के बीच में तनख्वाह पा रहे हैं। इन चीज़ों से बचने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।